जैन फ्रेंड जॉब से चुटुप चले में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई छावनी बोर्ड, जो कि कंटेनमेंट बोर्ड की तरफ से 2022 और 23 में बहुत ज़्यादा वैकेंसी जारी की गई थी, जिसमें ऑफलाइन एंड ऑनलाइन के माध्यम से आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए गए थे, जिसमें बहुत ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किए थे, जिसमें बहुत ज़्यादा संख्या में आपका पेमेंट लिया गया था, जो कि एग्जामिनेशन फ़ी के नाम पे 500 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये तक की फ़ी आपसे पेड करवाई गई थी। तो आप देख सकते हैं इन कंटोनमेंट बोर्ड में आपकी वैकेंसी जारी की गई थी। 2023 में ही एक आपका नोटिस जारी हुआ था, जिसमें बताया गया था कि जो भी आपके कंटेनमेंट बोर्ड हैं उनको कंप्लीट तोड़कर और जो भी आपकी नगर निगम या जो भी नगर निकाय की ऑफिसों में या उनसे संबंधित क्षेत्र में मिला दिया जाएगा। तो ऐसा नोटिफिकेशन आया था, लेकिन अभी तक ऐसा कंप्लीट नहीं हुआ है। जो भी आपके कंटेनमेंट बोर्ड हैं अभी तक उसके क्लियर नहीं हुआ है कि कौन से कंटेनमेंट बोर्ड तोड़कर मिलाए जाएंगे, लेकिन जो वैकेंसीज हैं वो कंटिन्यू लगातार आपकी कैंसिल होती जा रही हैं और उनका जो पैसा रिफंड के लिए लगातार उसके नोटिफिकेशन आते जा रहे हैं। जैसे कि आगरा का नोटिफिकेशन आ चुका है, आगरा की जो वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आकर और उसका जो भी कंटेनमेंट बोर्ड का जो आपका जो भी एग्ज़ाम था वो होना था, ये नहीं हो पाया। और उसके देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन भी उन्होंने दे दिया था कि आप अपना जो भी पेमेंट है वो पेमेंट का लिए दोबारा से आपका जो भी रिक्रूटमेंट कैंसिल का नोटिस यहाँ पे दिया। इस प्रकार से वेबसाइट में जिस प्रकार से इन्फॉर्मेशन के क्लिक करके और रिक्रूटमेंट जाकर आप ये नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। सभी वेबसाइट पर अभी अपलोड नहीं किए गए हैं, कुछ वेबसाइट को कैंसिलेशन कर दिया गया है और उसकी एग्ज़ाम भी है या जो भी आपकी अमाउंट लिया गया था वो आपको रिफंड किया गया है। तो ये आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ये 20 फरवरी 2024 में था, जो कि आगरा की वैकेंसी था कि वैकेंसीज को कैंसिल कर दिया गया है। उनके लिए सभी के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए थे। तो आप जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन पढ़कर और जो भी आप टाइम पर आपके यदि रिफंड के लिए अप्लाई कर देंगे तो आपका पैसा रिफंड हो सकता है। अभी लेटेस्ट जिसमें चल रहा है कौन सी वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है और यदि आपने उसमें अप्लाई फॉर्म किया है तो आप अपने ऑनलाइन माध्यम से अपने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी रिफंड फी पा सकते हैं। अभी आपको दिखा देता हूं, जो ये ई छावनी की वेबसाइट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी जाएगी, वहां से देख पाएंगे। ये सभी कंटेनमेंट बोर्ड के आपकी वेबसाइट यहां से क्लिक करके ओपन की जा सकती हैं। कंटेनमेंट बोर्ड को चेक कर सकते हैं कि उसकी वैकेंसीज का कैंसिलेशन आया है या नहीं आया है। तो अभी लेटेस्ट जो चल रहा है मैं आपको बता दूं कि सुबातु में आपकी जो उत्तराखंड में स्थित है वहाँ पे आपकी वैकेंसीज का कैंसिलेशन आ चुका है और अभी लेटेस्ट उसमें आपका जो भी वैकेंसीज है उसका जो रिफंड है फी उसका पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन में जाना है, रिक्रूटमेंट चेक करना है। रिक्रूटमेंट में जाकर यहाँ पे आपको कैंसिलेशन का नोटिस मिल जाएगा। तो यहाँ से कैंसिलेशन का नोटिस डाउनलोड करके देख पाएंगे कि उसमें आपका जो ऑनलाइन रिफंड के लिए पोर्टल ओपन हो चुका है और उसकी लिंक वीडियो के नीचे ऐड कर दी जाएगी सुबातु की, वहाँ से आप रिफंड भी कर सकते हैं। ये देखिए, देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको कार्यालय छावनी सुबातु में आपकी वैकेंसी थी, उसमें आपका भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की तरफ से वैकेंसी जारी की गई थी। 8 अगस्त को इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया गया कि जो भी वैकेंसी 2022 में इन्होंने जारी की थी उनको कैंसिल कर दिया गया है। ये लिंक उन्होंने दी है, इस लिंक के थ्रू आप अपना जो भी है रिफंड के लिए ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं और यदि वेरिफिकेशन होने के बाद में साफ लिखा है कि आफ्टर वेरिफिकेशन आपका पेमेंट अपने खाते में डाल दिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट हैं जल्द से जल्द अपनी जो भी आपकी रिफंड है उसके लिए अप्लाई कर दें। लास्ट डेट आप रिफंड की देख सकते हैं यहाँ पे, आपकी जो 15 तारीख रखी गई है, 15 सितंबर लास्ट डेट रखी गई है। यदि आप रिफंड के लिए अप्लाई नहीं करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो नहीं पेड होगी आपके खाते में और आपका जो पैसा है बहुत सारे आपके जो कंटेनमेंट बोर्ड के लिए अप्लाई किया था आपका पैसा कम से कम वापस मिल जाए, यही बड़ी बात है। वैकेंसी तो नहीं मिलने वाली है, न कोई ज्वाइनिंग होने वाली है और न ही उनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस आगे होने वाली है, क्योंकि जब तक पूरी कंप्लीट ये जो भी आपके कंटेनमेंट बोर्ड कंप्लीट तोड़कर एक साथ मिला नहीं दी जाए और ये कन्फर्म हो जाए कि लास्ट में कौन से कंटेनमेंट बोर्ड आपके रखे जाएंगे और कौन से सभी तोड़कर मिला दिए जाएंगे, तब तक आपकी कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं होगी। तो आप जो भी कैंडिडेट हैं जिसने भी फॉर्म जिससे कंटेनमेंट बोर्ड से अप्लाई कर रखा है वहाँ से आपको जैसे कि वेबसाइट मैंने बताई वहाँ पे क्लिक करके इन्फॉर्मेशन में रिक्रूटमेंट में जाकर अपना चेक करते रहें और उससे आपके जो भी रिफंड पोर्टल की लिंक स्टार्ट होती है तुरंत अप्लाई कर दें, नहीं तो आपका पैसा भी चला जाएगा। बाकी की आपको
आपको मैं बता दूं कि जो भी आपके कंटेनमेंट बोर्ड हैं उनके द्वारा आपके मोबाइल नंबर या ईमेल के माध्यम से भी आपको मैसेज किए जाते हैं, तो कंटिन्यू उनको चेक करते रहें। उनसे भी पता चल सकता है आपको कि आपका जो भी रिक्रूटमेंट है कैंसिल हो चुका है और उसकी जो भी रिफंड पोर्टल है ओपन हो चुका है। तो अपनी वेबसाइट है जो भी, सॉरी ईमेल है या वेबसाइट है, या आप जो भी अपनी नॉर्मल मैसेज भी कई कैंडिडेट के पास आते हैं तो वो देखते रहें, जिससे आप अपना पैसा रिफंड कर सकें। इससे संबंधित किसी कैंडिडेट की और कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो लिंक है वेबसाइट की, जितनी भी लिंक है, जैसे कि आपकी जितनी भी कंटोनमेंट बोर्ड की साइट है, यहाँ से आप सभी चेक कर पाएंगे। बहुत सारी वेबसाइट जो भी, बहुत सारी कंटेनमेंट बोर्ड ने भर्ती रद्द कर चुके हैं और उनका जो भी पैसा मिल चुका है, जैसे कि ये जाल पहाड़ है, यहाँ के जो भी शिलोंग में, दार्जिलिंग में, सॉरी पश्चिम बंगाल में, उसका भी पैसा रिफंड अभी हुआ है। लेटेस्ट आप देख सकते हैं, इसका नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा दूँ। और जो भी आपका, बहुत सारी और भी वैकेंसीज हैं जहाँ पे ये आपकी जो आप जारी की गई थी, जिनका नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। और जो भी आप है अपना पैसा तो कम से कम ले सकते हैं अपना रिफंड के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिस रिफंड फ़ी, यहाँ पे नोटिस डाला हुआ है ये, लेकिन ये आपका आपका ख़त्म हो चुकी है, इसकी एक्सपायरी हो चुकी है, क्योंकि ये आपका मार्च में डाला गया था और अप्रैल तक इनका रहने वाला था, एक महीने के लिए किया था उन्होंने रिफ़ंड फ़ी के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2024 में ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो आप जितने भी कैंडिडेट हैं ये सोच रहे हैं कि मेरी भर्ती कंप्लीट होगी और आगे की प्रोसेस होगी और उसमें आपका पैसा, सॉरी आपकी ज्वाइनिंग मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस अपना पैसा ले लें वो बड़ी बात है, सरकार पैसा दे रही है, तो अपने सही टाइम से आपका पोर्टल ओपन हो रहा है, उससे आप रिफ़ंड फ़ी कर सकते हैं। अभी रिफ़ंड फ़ी के लिए जो सुबातों में कैसे रिफ़ंड फ़ी करना है उसकी लिंक भी वीडियो के नीचे डाल दूंगा, उसमें आप जाकर रिफ़ंड के लिए ओपन कर, जो भी लिंक है उस पर सभी डाटा फिलअप करके और सबमिट कर दीजिए, जिससे आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। लिंक दी गई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कंटेनमेंट बोर्ड सुबातू के लिए ये लिंक है। आपकी ईमेल करनी है, आपका जो भी कैंडिडेट का एप्लीकेंट का नाम लिखना है या कौन सी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था वो लिखना है। ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई हुआ था लेकिन जो पेमेंट थी वो ऑनलाइन कटी थी। फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपको रिसिप्ट नंबर, जो भी आपका जिस टाइम में आपने पेमेंट किया था उसकी रिसिप्ट नंबर है, उसके लास्ट 6 डिजिट आपको लिखने हैं। और कितने तारीख को पेमेंट किया था, कितना अमाउंट किया था, बैंक आपका जो भी खाता है वो आपका बैंक नंबर, अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखना है। जब आप कौन से खाते में पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी खाता लिख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिससे पेमेंट आपका कटा है वही लिखें। आपका जो भी अमाउंट है, जो भी आपका जिस खाते में आप जो भी पेमेंट मंगाना चाहते हैं उसमें आप यहाँ पर लिख सकते हैं, IFSC कोड लिख सकते हैं, यहाँ पे जो भी ब्रांच है उसका नाम लिखना है और जो भी आपका नाम है, खाते में किसके नाम पर आप पैसा मंगाना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके खाते में ही पैसा मंगाएंगे, किसी के भी खाते में, घर परिवार, रिश्तेदार, जो भी दोस्त वगैरह, किसी के खाते में भी पेमेंट मंगा सकते हैं और यहाँ पे टिक करके सबमिट कर देना है। तो ये आप सभी डाटा फिलअप करेंगे,